स्वर्णिका समाज द्वारा अजमेर जी महाराज का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंगलवार को शहर में वाहन रैली निकाली गई और महाआरती की गई। स्वर्णकार समाज के आराध्य देव अजमेर जी महाराज की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। स्वर्णकार समाज द्वारा अजमेर जयंती महाउत्सव के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंगलवार को जयंती महाउत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्वर्णकार समाज धर्मशाला से वाहन रैली प्रारंभ हुई, जो बैंड बाजों ढोल ढमाकों के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अजमेर जी चौराहा पहुंची। यहां अजमेर जी महाराज की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर समाज जनों ने 151 दीपों से महाआरती की। इस अवसर पर अजमेर जी महाराज से समाज जनों ने देश में खुशहाली और संपन्नता की प्रार्थना की। समाज के अध्यक्ष नरेंद्र सोनी ने कहा कि कोरोना काल के कारण पिछले वर्ष आयोजन नहीं किए गए थे। इस वर्ष भी कोरोना को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त आयोजन किए गए हैं। आज हमारे पितृपुरुष श्री अजमेर जी महाराज की जयंती है और युवा मंडल, नवयुवक मंडल, महिला मंडल में जबरदस्त जोश और उत्साह है कि विगत पिछले 2 साल से कोरोना काल से हमारे कार्यक्रम नहीं हुए, लेकिन इस वर्ष हमें प्रशासन ने अनुमति भी दी है कि आप अपने सीमित मात्रा में, सीमित साधन में आप जयंती मनाएं। तो आज हम वाहन रैली निकाल रहे हैं, जिसमें शहर के प्रमुख मार्ग से होते हुए हम अजमेर जी चौराहे पर जाएंगे और वहाँ पर हम सब परिवार सब आरती करेंगे। और भी कोई इसमें कार्यक्रम वगैरह इसमें उसके पश्चात दिन में बच्चों का कार्यक्रम है ये, और शाम को हमारा खीर प्रसादी का वितरण होगा, उसके बाद उसका समापन। 108 दीपक की आरती है वो कब? यहाँ से जो आरती करेंगे वो 151 दीपक से महाआरती करेंगे चौराहे पर, और शाम को डांडिया का भी प्रोग्राम है। लेकिन इस बार हमारा जो युवाओं में जो जोश है वो काबिल तारीफ है। महिलाएँ भी इस बार रैली में निकल रही है और एक कोरोना काल के गाइडलाइन जो प्रशासन ने हमको दी है उसका हम पालन करते हुए हम कार्यक्रम करते हैं। अजमेर जयंती के अवसर पर स्वर्णकार समाज समिति और स्वर्णकार महिला मंडल द्वारा अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। इस अवसर पर वाहन रैली, स्लो स्कूटी रेस, लड्डू गोपाल श्रृंगार, ताजा फूलों से रंगोली सहित अनेक स्पर्धाएं आयोजित की गई। 2 दिवसीय जयंती महोत्सव पर स्वर्णकार समाज द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है और कई आयोजन किए जा रहे हैं।